सुप्रीम कोर्ट हमारे देश का सबसे बड़ा कोर्ट है, सारे देशवासियों को उसके ऊपर विश्वास है कि अगर किसी को इंसाफ नहीं मिला तो वो अगर सुप्रीम कोर्ट जाता है तो उसे जरूर इंसाफ मिलता है। पर दोस्तों अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले ऐसे फैसले दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने जिसके ऊपर अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी सवाल उठने लगे। सवाल मैं नहीं उठा रहा हूँ, सवाल उठा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े वकील यानी वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण। उनका कहना यह है कि सुप्रीम कोर्ट को जिस मुद्दे के ऊपर सुनवाई करनी चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि अभी हमारे पास टाइम नहीं है। पर अर्णब गोस्वामी की FIR खत्म करने के लिए उनके ऊपर उनके पास टाइम है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर टाइम, क्योंकि अर्णब गोस्वामी आप जानते हैं रिपब्लिक टीवी उनका चैनल है, उनके चेयरमैन और एडिटर इन चीफ हैं। उनके उन्होंने एक डिबेट में सोनिया गांधी जो अध्यक्ष है प्रेसिडेंट है कांग्रेस पार्टी की उनके ऊपर अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, जिसके ऊपर उनके ऊपर FIR दर्ज की गई थी अर्णब गोस्वामी के ऊपर। तो जैसे कि आज अर्णब गोस्वामी याचिका डालता है सुप्रीम कोर्ट में तो उसके अगले दिन ही सुप्रीम कोर्ट अर्णब गोस्वामी की याचिका पर सुनवाई करता है और FIR को खत्म कर देता है, यानी 3 महीने के लिए रिलीफ दे देता है कि इनके ऊपर कोई भी FIR नहीं होगी और ना ही इनकी कोई गिरफ्तारी करेगा और साथ के साथ इनको सिक्योरिटी भी सुप्रीम कोर्ट प्रोवाइड कर देता है। वही प्रशांत भूषण का आरोप लगाया जब ये सुनवाई करी अर्णब गोस्वामी, तो प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया सुप्रीम कोर्ट के, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में मैंने याचिका डाली थी कि बहुत ज्यादा जरूरी थी उस याचिका पर सुनवाई करनी थी, याचिका डाली थी प्रशांत भूषण ने कि जो मजदूर हैं कोरोना वायरस में लॉकडाउन है उनका टेस्ट होना चाहिए और मजदूरों के लिए खाने का इंतजाम होना चाहिए और जो लोग नेगेटिव हैं उनका भी जो लोगों का टेस्ट करवा ले, सारे के सारे जो मजदूर हैं उनका टेस्ट होना चाहिए, अगर जो लोग नेगेटिव आते हैं उनके लिए खाने का भी इंतजाम होना चाहिए और जो लोग पॉजिटिव आते हैं उनको अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण जी ने डाली, जो वरिष्ठ वकील है सुप्रीम कोर्ट के, पर सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि हमारे पास टाइम नहीं है। पर सुप्रीम कोर्ट ने जो बाबरी मस्जिद का फैसला दिया था उसके ऊपर भी सवाल उठे थे, वही NRC CA और NPR के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिकाएं दली थी और याचिका को फिर एक एक महीना दो दो महीने के लिए टाल दिया गया, ये सवाल उठने लगा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। वहीं अभी का मामला मैं आपको बता दूं, जो मीडिया ने तबलीगी जमात और निजामुद्दीन मरकज को बदनाम करने की कोशिश करी, जमातिया हिंद ने इसके ऊपर याचिका डाली थी कि सुप्रीम को मतलब मीडिया के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, पर सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, कह दिया कि हम इस पर अंतिम फैसला नहीं सुना सकते। तो दोस्तों आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या सुप्रीम कोर्ट किसी के दबाव में है, क्या किसी के इशारों पर काम कर रहा है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही है।